1 फरवरी साल 1978 से भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाने की शुरुआत हुई। 1978 में केवल 7 जमीनी प्लेटफॉर्मों के साथ भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी शुरुआत की। वर्तमान में यह बल लगभग 158 जहाजों और 70 विमानों के साथ एक अजेय सेना बल बन चुका है। साल 2025 तक इंडियन कोस्ट गार्ड का लक्ष्य 200 जमीनी प्लेटफॉर्मों और 80 विमानों को प्राप्त करना है। दुनिया में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारत के समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1 फरवरी साल 1977 में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना हुई। यह संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा रेल संग्रहालय है। यहाँ पर रेल इंजनों के अनेक मॉडल और कोच हैं, जिसमें भारत की पहली रेल का मॉडल और इंजन भी शामिल है। विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों को देखने के लिए देश भर से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। यह म्यूजियम भारत की रेल धरोहर को संरक्षित करते हुए 150 सालों से ज्यादा के इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। इस संग्रहालय में भवन के अंदर और बाहर दोनों ही प्रकार की रेल धरोहरें सुरक्षित हैं। 1 फरवरी साल 2003 को कल्पना चावला का निधन हुआ। चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 6 अंतरिक्ष यात्री चालक दल के रूप में शुरू हुआ। इस दल ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया STS-87 से उड़ान भरी थी। 16 दिन के अपने पहले मिशन पर चावला ने अंतरिक्ष में पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने कोलंबिया की STS-107 से मिशन का आरंभ किया। इसी मिशन से वापस लौटते समय कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी के साथ ही अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बनी।